सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नई नर्सिंग भर्ती के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी पोस्टें रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। NHM हरियाणा से ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों पास में आएगा एक बेल आइकन, उस पर आप ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हम अपकमिंग जब भी वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। NHM हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है जलार, यहाँ से वैकेंसीज दोस्तों निकल के आ रही है सामने। बात करेंगे नर्सिंग की वैकेंसीज, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी है। इसके अलावा हम नर्सिंग की वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसीज है। इसमें दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो MBBS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों डेंटल वाले अप्लाई कर सकते हैं, आयुष वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ नर्सिंग ग्रेजुएट मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग वालों के लिए। और इसका एग्ज़ाम है वो 4/11/2022 को सुबह 11 बजे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें सैलरी है एंट्री लेवल पे एज पर NHM सर्विस बाई लॉ 16,290 रुपये इसमें जो है सैलरी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म दोस्तों आपको dhs.chjjr@hry.nic.in इसके माध्यम से भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको है 200 रुपये फ़ीस लगने वाली है, फॉर्म भर सकते हैं आप। ये PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। टेलीग्राम को यदि आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी पेपर लेने का स्थान और समय को आप इस वेबसाइट पर विजिट करके nhmharyana.gov.in की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो वेबसाइट पर नज़र रखते रहिए, साथ ही साथ नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय समय पर हर एक भर्ती की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ताकि कोई भी भर्ती से आप इंडिया की कहीं से किसी भी स्टेट से भर्ती निकली है तो उससे वंचित नहीं हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।